कुछ नहीं छोड़ा, बैन कर दो सब कुछ। मैगी मैगी बैन कर दो, बैन यार। बीफ बैन, बीफ कौन बैन करता है यार। एग्जैक्टली, मैगी की तरह ही हमारी जिंदगी में भी दुनिया हमारे 100 अच्छी चीजों को नजरअंदाज करके हमारी एक खामी को देखती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे नेक्स्ट प्ले में। क्योंकि अगर मैं किसी एक ही शब्द का इस्तेमाल करती तो शायद आप मुझे भी हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन बना देते, और आपको सल्यूट करना मुझे इसीलिए जरूरी लगा क्योंकि आप तो इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान, शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, तो हम बाकी प्राणी तो सदा आपके चरणों में ही रहेंगे। अब मेरी ही बात ले लो, कोई मुझे माता बनाकर मेरी पूजा करता है तो कोई मुझे काट के खाता है, पर अब तो मेरी जान का केवल विषय ही लोग, मीडिया और पॉलिटिशियंस के लिए मनोरंजन का साधन बन गया है। अब इस खेल में सिर्फ मेरी ही जान नहीं बल्कि मनुष्यों की जान, उनका धर्म, राजनेताओं का करियर, यहाँ तक कि मीडिया की टीआरपी भी दांव पर लगी है। आइए दिखाती हूँ आपको ऐसी ही एक कहानी। अरे बेगम, कुछ खाना वाना है कि नहीं? कब से इस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? कब आएगा भाई खाना? हाँ जी हाँ, अपने चूहों को जरा शांत बैठने को कहिए, खाना बस बन ही चुका है, तब तक आप अखबार पढ़िए ना। क्या पढ़े बेगम इस अखबार में? खून खराबा और मारधाड़ के अलावा इनमें तो कुछ होता नहीं है। और कुछ नहीं तो हम पर ही होने वाले अत्याचारों की कोई और एक नई कहानी। अब यही देखो, एयरपोर्ट पर किसी मुसलमान भाई को 14 घंटे हिरासत में ले लिया। आजकल तो सब हमें आतंकी ही समझते हैं, न जाने क्या होगा हमारा। चलिए खाना बन गया है, छोड़िए ये सब बातें। अरे कैसे छोड़े भाई, कैसे छोड़े? लगातार हम पर अत्याचार और जुलूम हुए जा रहे हैं, आखिर हम भी तो यहाँ के रहने वाले हैं। ओहो, आप तो हद ही करने लगे हैं। खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। आप हाथ मुंह धोकर आइए तब तक। जैसी आपकी आज्ञा। ओए दरवाजा खोलो। अरे खोल। अबे चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या खा के रहे तुम लोग? कौन आप लोग, कहाँ से चले आ रहे हो? क्या चाहिए आपको? हम लोग गौ माता के पुत्र है और उसका रक्षा करने के लिए यहाँ पे आए। अरे भाई आप किसी के भी पुत्र हो पर ऐसे कहीं भी चले आओगे? कुछ तेजी भेटी नहीं आपको? बंद कर, तेजीब सिखाएगा हम लोग। तू क्या हमें तेजीब सिखाएगा भाई? हमें पता चला है तुम लोग यहाँ पे गाय का मांस खा रहे हो साले। अरे आपको कैसे पता चला हम यहाँ पे गाय का मांस खा रहे हैं? कुछ और हमें क्या पता, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। अबे देख बे किचन में क्या कर रहे हैं लोग। खबरदार जो किचन में गया तो बाहर आ जा। जबान किससे लड़ा रहा है बे? हमारे टुकड़ों पे 15 हमसे ऐसी बात कर रहा है। माइनॉरिटी है तू भाई, माइनॉरिटी की तरह की बरत। अरे माइनॉरिटी माइनॉरिटी मतलब क्या, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, आखिर ये हमारा भी तो मुल्क है। और वैसे भी 400 साल हमने भी यहाँ पे राज किया है, और तब तुम लोग हमारी डाली हुई टुकड़ों पर जीते आए हो, बात करते हो। और वैसे भी तुम लोगों की हैसियत ही क्या है, गाय को माता मानने वाले बैल हो तुम लोग, वो भी निकम्मे। चुप साले, निकम्मे बोलेगा आपको साले। क्या वो 400 साल लगा रखा है साले? तुम लोगों को दूसरों के घर चलने का नाम कुछ आता है? कभी किसी के देश में घुस गए, कभी किसी के घर में घुस गए, कभी किसी के मंदिर में घुस गए साले। आतंकवादी कहीं के और दहशतगर्दी तो तुम लोगों के खून में है वे। और तूने अभी तो हम लोगों का गोमाता को मारा है, तो इसका बदला तो है। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, हमको तो जो खाना हम खा के रहेंगे। जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। साले गाय के खून पीने वाले, तू ऐसे नहीं मारने वाला। उसकी खून का बदला तो खून से भी ज्यादा है। यहाँ ये तेरे को मार दे दी है। अरे क्या कर रहा, देखा तो
ओहो चश्मे वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे करी तो यहाँ तो खून भई का मल्टीप्लिकेशन मदर का केस लागत है। अरे साहब वो मल्टीप्लिकेशन मर्डर नहीं मल्टीपल मर्डर होता है। यहाँ सही पकड़े हैं। हाँ काहे को चौड़ा हो रहा है अब साहब कुछ काम वाम भी कर लेगा। अरे साहब ये देखिए पोस्टर स्क्रिप्ट ये तो गोरक्षा वाला कांड लगता है। सही बोलत है ये माँ तो कोई दल का भी हाथ लागत है। अब देखना कितना सवाल होगा। इमा धमाल की कौन बात है साहब। अरे केला राम ससुरा तुम भी बिना छिलके का केला ही रहेगा। खोखा दो खोखा दो पक्का ही समझो। ओ ये मैं अपना का सैंपल उठाएगा। जा किचन ले जा सैंपल उठा वहां भी देख लीजो। कैसे कर पेट खराब है। हां तो साला पहला सीन में ही हम दीवा पेट खराब इसीलिए हम दीवा सीरियसली। अरे साहब भूख लगा है का खाना तो बिल्कुल नहीं अचूना पड़ा है। यहाँ देखो इको अमीर आदमी बनना है साला औकात भिखारी का भी नहीं। तुम्हारी अम्मा को बुलाए सैंपल लेवा जल्दी चल। अरे आते साहब आते। अरे ओ मैडम कहाँ चली आई हो ससुराल समझ के बाहर पुलिस का बोर्ड नहीं देखे का। अरे केलाराम देखत नहीं टीवी रिपोर्टर लागत है। अच्छा अच्छा हमें अभी अभी खबर मिली है कि एक मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई है। गोमांस खा रहा था मुस्लिम परिवार। इस शक के बिना पर ही कुछ को रक्षा करने वाले दल के लोगों ने ही इन्हें मारा है ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौका वारदात पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर इंस्पेक्टर बबलू घंटा जानकारी देंगे। तो इंस्पेक्टर घंटा जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार का कत्ल हो गया है तो किसने मारा है उन्हें और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। देखिए हम वो तहकीकात करते हैं आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो गौरक्षा का कांड लागत है। इंस्पेक्टर घंटा ये बड़ा ही गंभीर और संगीन मामला है इससे कम्युनल टेंशन भी बढ़ता जा रहा है तो इस मामले में आप क्या सावधानी बरत रहे हैं। हम लोगों को कहेगा अपना गुस्सा अपने पास ही रखे ज्यादा उछलेना ही दिक्कत हो सकती है बाकी तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। तो जैसा कि आप सब ने देखा पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हुआ जा रहा है। इस मामले में आगे और क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राजीव के साथ मैं रेशमा पाटिल न्यूज इंडिया। इधर तो आइए देखिए का मस्त सेल्फी लिए है हम उमरा। अब तो व्हाट्सएप पर इतना पॉपुलर होंगे कि क्या बात बताए आपको। नया कांड होगा अब नया कांड होगा बैन। नमस्कार न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज की ताजा पीएम मोदी ने विकास की ओर बढ़ाया एक और कदम। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च रोजगार मिलेगा युवकों। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम नए उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। भारत सरकार की फसल बीमा योजना किसानों में राहत। मोदी की नई पहल
तो कांग्रेस ने 7 साल में आज चुना किया वो मोदी ने कर दिखाया 2 साल में। आखिर मोदी ने ऐसा क्या किया जानते ब्रेक के उस पर। अरे सर आपका कॉल था। अबे ये क्या दिखा रहा है, वहां किसी बीफ का इतना बड़ा कांड हो गया और तू सरकार की पलट पीछे पड़ा है। अबे फालतू की न्यूज क्यों कवर कर रहा है। अरे सर बट ये मैटर इम्पोर्टेंट है ना, अगर सरकार की योजना जनता तक नहीं पहुंचाई तो ये काम कौन करेगा, और ये हमारा काम तो है। अबे तुझको जितना बोला जाए ना उतना ही कर तू। बट सर वो मैटर फालतू में बड़ा हो जाएगा। अबे ओ डीडी न्यूज ज्यादा अकल मत चला, अपना चैनल पैसे के लिए चलता है, पैसे के लिए ऐसा न्यूज दिखाएगा तो टीआर के अंदर बाप लगा देगा। अबे दुनिया को नेगेटिविटी चाहिए नेगेटिविटी, और मसाला लगा उस बीप वाले मैटर को, आज दिन भर वही चलेगा समझा। ठीक है सर बट वो स्कॉलरशिप जेंट से सोना तो खाना छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए। मैंने मेरे क्या आज की ब्रेकिंग न्यूज, भारत में संसद, भारत में संसद गाय के मांस खाने के संदेह मात्र से मुस्लिम परिवार का कत्ल। इंटॉलरेंस ने बढ़ाया एक और कदम, मुस्लिमों की जान खतरे में, खतरे में। आइए जानते घटना का सच ग्राउंड जीरो से, ग्राउंड जीरो से। हमारी संवाददाता रेशमा के साथ। रेशमा, जैसा कि हम देख रहे हैं वहां पे मुस्लिम परिवार का कत्ल हो चुका है। क्या कहना है वहां पे लोगों का, पूरे डर और घबराहट का माहौल छाया। रेशमा जी, सुरेश जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार का कत्ल हो गया है। इन्हें बड़ी ही बेदर्दी और बेरहमी के साथ मारा गया है, और जैसा कि आपने कहा बीफ खाने की केवल बात उठाने से ही यहाँ पर घमासान हो गया है और लोगों में खौफ का मंजर छाया हुआ है, लोगों ने खाना छोड़ दिया है। तो जैसे कि रेशमा ने बताया यहाँ पे पूरे डर का माहौल छाया हुआ है, कोई रास्ते से बाहर निकलने को तैयार नहीं, तैयार नहीं। लोगों ने खाना छोड़ दिया, छोड़ दिया। कौन है वो दरिंदा जिसकी वजह से, तो रेशमा हो चुकी है, अभी तक पुलिस ने क्या कदम उठाए। कदम रेशमा पुलिस क्या कर रही है, केला खा रही है। जी सुरेश, पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और सारे सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश जारी है। जी आपको बताना चाहूंगी कि गोरक्षा करने वाले दल के लोग जो इस हत्याकांड में शामिल थे उन सबको हिरासत में ले लिया गया है, पर पुलिस अभी फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। सुरेश, इस घटना ने अब एक राजनीतिक रुख ले लिया है, यहाँ पर राजनीतिक दलों का आना जाना शुरू हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी होने लगी है। जी अभी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अरविंद केजरीवाल जी, घटना है बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यवश घटना है जी, इसमें मोदी जी का हाथ है जी। मोदी का हाथ इसलिए है जी क्योंकि जिस तरीके से सरेआम एक मुस्लिम फैमिली को मार दिया गया है जी, ये मोदी जी का गवर्नमेंट हरदम वो माइनोरिटी लोगों को दबाने में लगा हुआ है जी। ये स्कैम है जी, ये स्कैम है जी, ये स्कैम है जी। तो सर मोदी जी तो फिलहाल मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्लीन अप इंडिया और विकास जैसे मुद्दों में जुटे हुए हैं, और ये जो दल है ये एक लोकल दल है, तो इस लोकल टॉपिक में सीधे देश के पीएम को लाना कितना सही है। अरे ये जो चेले थे ना ये मोदी जी के थे, मोदी जी के क्यों थे पता है, क्योंकि वो सेंटर में है। और ये जो यहाँ पे तुम बोलो विकास की बात बोलो, आम आदमी क्या करेगा यहाँ पे, अगर विकास की बात करते हो जी, अगर आम आदमी इस देश में सुरक्षित नहीं है तो विकास का क्या करोगे जी। तो ये थे हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी, मैं कैमरामैन राजीव के साथ रेशमा पाटिल, न्यूज़ इंडिया।
कुछ तो बोलो सुरेश। सुरेश। Any comments? Breaking news. मोदी के देश में कॉमन मैन असुरक्षित। केजरीवाल का बयान, विकास अपने पास रखो, पहले सुरक्षा दो। केजरीवाल का बयान, विकास को डालो अपनी जेब में। सुरक्षा दो भाई। जिस तरह से हमारे उन मासूम बंदों को मार दिया, हम क्या ऐसे ही सहते रहेंगे? हम इसका बदला लेंगे और हमारे सभी भाइयों को एक साथ आने की जरूरत है। भाइयों को मुस्लिम नेता का बयान, मुस्लिम नेता कोई भी चांस नहीं छोड़ रहे पलटवार करने में। मुस्लिम का कहना है बीफ करना कोई गलत बात नहीं है। नहीं है। आखिर इनके पीछे इनका मंसूबा क्या? रेशमा। वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं, रेशमा बताएगा। रेशमा, रेशमा, रेशमा। Back to रेशमा। बोलो। जी हाँ, मैं यहाँ पर बैंगलोर की एक टेस्ट लैब के सामने खड़ी हूँ। यही है वो लैब जहाँ पर वो खाने का सैंपल भेजा गया था। वो सैंपल बीफ भी हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ऑफिशियल रिपोर्ट अभी बाहर नहीं आई है, पर सूत्रों से पता चला है कि कुछ राजनीतिक दलों का दबाव इस लैब पर बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन राजीव के साथ मैं रेशमा पाटिल, न्यूज इंडिया। जैसा कि आपने देखा कैसा लैब का रिजल्ट भी हो सकता है फर्जी। बेकरी वाल की तरह। तो आखिर सच क्या है? क्या है? क्या वो बीफ था? नहीं, नहीं। अगर था तो क्या मुस्लिम परिवार का मरना जायज था? क्या इंसान की जान की कीमत गाय की जान की कीमत से कम हो गई है? आखिर इसका जवाब कौन देगा? कौन? हिंदू जो है गाय को अपनी माता मानते हैं। 33 करोड़ देवताओं की प्रतिमा हम गाय में देखते हैं। जब आजादी मिली थी तब हर फैमिली में एक गाय हुआ करती थी, आज कितनी है? और क्या उदाहरण दूं कि इस देश में गौ हत्या होती है? आखिर आप किसी समुदाय की भावनाओं के साथ इस कदर खेलोगे तो ऐसी वारदातें तो होनी है, उसमें क्या नई बात है? राजशास्त्री जी का बीफ कंट्रोवर्सी पे बयान। गाय को हम हमारी माता मानते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी। नेताओं की इन बयानबाजी के कारण हिंदू मुस्लिम में जंग छिड़ गई है। अब तक 16 लोगों की जान चली गई है और न जाने कितने घायल हो चुके हैं। 200 करोड़ का नुकसान हो चुका है और पूरे देश में कर्फ्यू छाया हुआ है। आखिर कब तक रुकेगा ये? कब तक? कब तक? आज तक। आज तक। नहीं नहीं, चल रहा है, चल रहा, चल रहा, चल रहा है। बाजी तो बन जाएगी। तो ये थी मेरी कहानी। अब आप कहोगे कि इस कहानी में मैं तो कभी आई ही नहीं, पर मेरा नाम तो जरूर आया। मेरी जान का विषय इस कहानी में खिलौना बन चुका था। अरे भाई, कोई चीज गलत हो या सही, पर इस कदर किसी को मारना या किसी की भावनाओं के साथ खेलना क्या कोई सही बात है? आपको तो सिर्फ राजनीतियों और मीडिया पर ही विश्वास है। वो कहते हैं ना, मनुष्य के मन को आज तक कौन पढ़ पाया है? मैं भी नहीं पढ़ पाई। अब आपको डिसाइड करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। Woo!
हेलो ध्रुविन शाह बीफ रानी सुपर थैंक यू उड़ा